विद्या भारती हरियाणा एवं हिंदू शिक्षा समिति के संयुक्त तत्वावधान में अमीन रोड स्थित गीता कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में दीपावली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रेरणा वृद्धाश्रम की अध्यक्षा एवं भाजपा नेत्री रेणु खुग्गर, वात्सल्य वाटिका के प्रधानाचार्य गौरव चौधरी, विद्यालय प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष अशोक सिंगल, प्रबंधक भूषण गोयल, महिला प्रतिनिधि डॉक्टर ममता सूद व विद्यालय प्राचार्य सुमन बाला मौजूद रहे। सभी ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। वे कहा कि भारत त्योहारों का देश है, यहाँ कई प्रकार के त्योहार वर्ष भर आते रहते हैं, लेकिन दिवाली उनमें सबसे बड़ा त्योहार होता है। ये त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने घर अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी को उस दिन घी के दीयों से सजाया गया था। वे घरों में पकवान बनाए गए थे, तभी से दीपावली पर प्रत्येक वर्ष देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के उपलक्ष में विद्यालय में भी प्रत्येक वर्ष बहुत सी गतिविधियां करवाई जाती हैं, जिन्हें करवाने का उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं से अवगत करवाना है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी दीप सज्जा, कक्षा सज्जा, रंगोली बनाओ तथा कार्ड बनाओ प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। इन प्रतियोगिताओं में विद्यालय की कक्षा प्रथम से 12वीं की छात्राओं ने क्रमशः शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग तथा तरुण वर्ग में बढ़ चढ़कर भाग लिया।